this video we are going to learn about basic calculus which will use in basic maths and physics. तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. तो सबसे पहले देखो डिफ्रेंशिएशन यूज़ कब होगा. डिफ्रेंशिएशन यूज़ कब होता है? डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. सिंपल क्या है? रेट ऑफ चेंज. अब सोचो मैंने बोला क्या, सोचिए ग्राफ है एक्स वर्सेस टी में. कुछ सपोज करो ऐसा है, किसी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है. क्या लिखोगे आप? डी एक्स बाई डी टी. ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा. मतलब इस पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो? इस कर्व को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. डी एक्स बाई डी टी क्या है? स्लोप. डी एक्स बाई डी टी क्या है? स्लोप. और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ये क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा. उसी तरह सोचो कोई कर्व है वाई वर्सेस एक्स में, कोई भी कर्व, किसी पॉइंट पे हो गया करना है स्लोप निकालना है. क्या करोगे आप? वाई को डिफ्रेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये क्या दे देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब ये डी वाई क्या है? ये डी वाई है डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई. डी एक्स क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स. और डी वाई बाई डी एक्स क्या है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन का यूज होता है. कैसे आप यूज कर सकते हैं? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स अगर मोमेंटम दिया हुआ है. तो हम देखते हैं कैसे कैसे करना है. अब डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो चेक करते हैं. डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे कैसे, फॉर्मूला लगाना कैसे है? तो बेसिक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए. फर्स्ट देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएशन में पावर हमेशा डिक्रीज होता है. तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन. सेकेंड देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा? ये वन बाई एक्स. ये देखो लॉग का जो बेस है वो क्या है? ये है. जो लॉग का जो बेस है वो क्या है? ये. थर्ड देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स क्या है? सेम होता है, ई पावर एक्स होता है. ऐसा एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है? ई पावर एक्स होता है. ए पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ए पावर एक्स ln a. ठीक, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स cos x. अब ध्यान से, अगर मैं बोलू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t, तो जो कॉन्स्टेंट टर्म हो क्या आएगा? बाहर आएगा. जो t का जो कॉफिशियंट है वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा. ओमेगा cos ओमेगा t. सोचो इसमें एग्जांपल लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx. तो कैसे आपको करना पड़ेगा? ये आपको चेन रूल के अकॉर्डिंग देखो सेम रहेगा, तभी जाके आप cos लिख पाओगे. तो पहले मैं क्या करूं? पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या 2x प्लस 3 कर लेते हैं. इसको चेन रूल हम लोग बोलेंगे बाद में. क्या साइन 2x प्लस 3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 dx. साइन का क्या हो जाएगा? cos इंटू क्या 2 का डिफरेंस क्या 2x का 2x. और कॉन्स्टेंट का डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है. कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफरेंस क्या होता है? हमेशा जीरो होता है. ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा? cos. cos साइन ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? ओमेगा cos ओमेगा t. तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. cos का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? माइनस साइन एक्स. सब में कॉन्स्टेंट टर्म आएगा. देखो हम लोग क्या करें? कॉस का क्या हुआ डिफरेंशिएशन? माइनस साइन.
सेवन डिफरेंशिएशन ऑफ टैन, टैन एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, टैन एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, sec एक्स क्या हो जाएगा sec एक्स इंटू क्या टैन एक्स, cot क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है cosec क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स। तो इस से पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स पावर एन का डिफरेंस एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, लॉस का डिफरेंस वन बाई एक्स, ई पावर एक्स का डिफरेंस क्या ई पावर एक्स, ए पावर एक्स का डिफरेंस क्या ए पावर एक्स इंटू एल एन ए, ठीक है एल एन का मतलब बेस ए की बात कर रहे हैं, ए पावर एक्स का डिफरेंसिएशन ए पावर एक्स इंटू एल एन ए, सी का डिफरेंसिएशन जीरो मतलब कॉन्स्टेंट का डिफरेंस जीरो होता है, साइन का क्या कॉस, कॉस का क्या माइनस साइन, टैन का क्या सेक स्क्वायर एक्स, sec का क्या sec x into tan x, cot का क्या माइनस cosec स्क्वायर x, cosec का क्या माइनस cosec into cot x। तो इस टाइप से पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, आपको पहले अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके बाद ही आप डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा अब इनवर्स का देखते हैं हम लोग, ये आप अच्छे से नोट कर लो, इनवर्स का देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस इज वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है कॉस इनवर्स का डिफरेंस इज माइनस वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टैन का डिफरेंस इज टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंस इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फोर्थ t cot inverse x का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिफ्थ cosec इनवर्स का डिफरेंशिएशन, sec की बात करें sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन मॉड x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, cosec x का डिफरेंशिएशन cosec इनवर्स x का माइनस वन अपॉन मॉड एक्स रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इस हिसाब से पूरा बेसिक आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से याद होना चाहिए। अब सोचो इसमें केवल बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, सॉरी बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है या अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक का भी लिख लो अच्छे से, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का टैन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये पूरा फॉर्मूला आप अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो चेक करते। अच्छा ध्यान से फिर देखो, सोचो मैं बोला है कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट रूल है, मुझे प्रोडक्ट दो चीज का डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। चलो मैं बोला कि कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू यू वी, वाई इक्वल टू क्या दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो डीवाई बाई डीएक्स डिफरेंशिएट करना है, तो पहले u को कांस्टेंट रखो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर v को कांस्टेंट रखो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो इस टाइप से हम लोग प्रोडक्ट रूल करते हैं। डिवीजन रूल क्या सोचो, अगर दो चीज डिवाइड कर रहे हो तो कैसे डिफरेंशिएट कर दोगे y डैश, डिफरेंशिएशन क्या y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे करेंगे नीचे वाला जो फंक्शन उसका होल स्क्वायर नीचे वाले को रखें ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो डी वाई डी एक्स, फिर क्या इसको रखें डी वी वाई डी एक्स, इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सोचो, मैंने बोला एक साइन एक्स सोचो इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे एक्स को कांस्टेंट रखा साइन का क्या डिफरेंस हो जाएगा कॉस और क्या हो जाएगा, फिर साइन को रखा कांस्टेंट वन एक्स का डिफरेंस क्या वन। तो इस टाइप से आप क्या कर लिया डिफरेंशिएट कर लिया प्रोडक्ट रूल लगा के। सोचो आपको क्या करना है डिवीजन रूल लगाना है x अपॉन साइन x, क्या करोगे नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसका क्या होल स्क्वायर नीचे वाले को क्या ऊपर रखोगे x का डिफरेंस क्या वन होता है माइनस x इंटू साइन का डिफरेंस क्या होता है कॉस होता है। तो इस टाइप से पूरा यू वी रूल आप यू अपॉन वी रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल जब कोई चीज़ प्रोडक्ट में है और कोई चीज़ डिफरेंस में।
अब इसका अप्लीकेशन हम लोग लास्ट में देखेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ आएगा, जो फिजिक्स के लिए यूज होगा हम उसको लास्ट में देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। उससे पहले डिफ्रेंशिएशन का कुछ हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सोचो ये दिया हुआ है डिफ्रेंशिएशन वाई इक्वल्स टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स पावर माइनस थ्री प्लस साइन थ्री एक्स प्लस ए पावर एक्स, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। नॉर्मल मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करूँगा मैं वाई डैश, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन फोर बाहर आ गया, एक्स पावर एन का फॉर्मूला हो गया, फोर बाहर आ गया, फोर माइनस क्या वन प्लस देखो माइनस थ्री क्या बाहर आ गया, एन इन टू एक्स पावर एन माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन बाहर आ गया, प्लस साइन का क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, और जो कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ए पावर एक्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा ए पावर एक्स क्या एल एन कैलकुलेट। तो इस हिसाब से हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। और देखो सोचो अप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग, कैसे आएगा फिजिक्स में, कैसे यूज हो सकता है इसका। सोचो कि मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, पोजिशन वैरी कैसे कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू पोजिशन वैरी कर रहा है टाइम के समय टू टी पावर फोर प्लस आपका टी स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स वाई डी टी होता है, क्या हो जाएगा टू इन टू टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया ठीक है फोर ठीक है इन टू टी पावर क्या फोर माइनस वन फॉर्मूला लगा लिए प्लस क्या टू टी, तो क्या आ जाएगा एट टी क्यू प्लस क्या टू टी। सोचो दूसरा पोजिशन वैरी कर रहा है ऐसे टी प्लस फोर टी स्क्वायर प्लस टू पे, कैसे करोगे डी एक्स वाई डी टी मतलब क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे डिफ्रेंशिएट कर लोगे टी का क्या वन प्लस क्या एट टी प्लस क्या जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस क्या होता है जीरो होता है। सपोज कर मैंने बोला कि वेलोसिटी वैरी कर रहा है टू एक्स स्क्वायर सॉरी टू टी स्क्वायर प्लस फोर टी से, कैसे करोगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी वाई डी टी, कैलकुलेट कर ली क्या फोर टी प्लस क्या फोर। अच्छा अब सोचो वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, वेलोसिटी दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अब इसे कैसे, अब आपको कैलकुलेट करना है पोजिशन, अब क्या कैलकुलेट करना है पोजिशन कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे डी एक्स वाई डी टी इक्वल्स टू क्या टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या फोर, आप इसको इधर लेके जाओगे इसको लेके आओगे, अब क्या एक्स निकालने के तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब जब वेलोसिटी और पोजिशन मिलेगा तो क्या तुम्हें पोजिशन कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर सोचो पहले इतना लिख लो अच्छे से कि कैसे पोजिशन अगर दिया हुआ है तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, और वेलोसिटी दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, तो ये इस टाइप से डिफरेंशिएशन हम फिजिक्स में यूज करते हैं जनरली ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद है तो डिफरेंशिएशन आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा इस टाइप से देखो, अगर सोचो दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इस टाइप से, तो फोर्स क्या होता है माइनस डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स, फोर्स क्या हो जाएगा। और सोचो मैंने बोला वर्क चाहे सो थर्मल प्रोसेसर पी वी क्या कॉन्स्टेंट दिया हुआ, सोचो जिसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो वी को कॉन्स्टेंट रखा पी को डिफ्रेंशिएट किया प्लस क्या वी को पी को कॉन्स्टेंट रखा वी को डिफ्रेंशिएट किया और सी का डिफरेंस क्या जीरो, डिफरेंशिएट करते हैं। और सोचो मोमेंटम वर्सेस टाइम में ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस टाइप से फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज आ सकता है, कैसे टू फाइंड वेलोसिटी फाइंड एक्सेलरेशन फाइंड फोर्स, तो इस सबसे पूरा डिफरेंशिएशन का यूज होता है फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन अच्छे से आपको याद होना चाहिए सारा चीज ठीक है। और एक दो एग्जांपल देख लो इसका आपको दिक्कत आ सकता है, सपोज करो मैंने बोला y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, फाइव नॉट ले लें ये एक सिंपल इक्वेशन है, तुम्हें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी क्या होता है डी वाई वाई डी टी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया साइन का क्या हो गया कॉस हो गया, डिफरेंशिएट क्या करो विद रिस्पेक्ट टू टी करो टी का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा। और सोचो वेव का इक्वेशन दिया हुआ मान लो ए साइन के एक्स
माइनस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट। अब मुझे पहले डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन का क्या कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कौन से किस केस में कोई डिफरेंशिएट कराओ, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, के बाहर आ गया। डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, ए यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है माइनस ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है माइनस ओमेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस क्या पाई नॉट। तो इस तरह से पूरा अच्छे से आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। और सोचो अगर मैंने बोला कि मेरे पास है y इक्वल टू 1 बाई एक्स, कैसे लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर y डैश। तो सब फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो।